और कमेंट भी करना है। पठाना वाला रेट दस अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अभी अभी उठाऊँ, सबसे पहले तो आप लोग बोल रहे होंगे कि ये नमूना कहाँ से आ गया। यही सीन ऐसा है कि क्लीन शेव इस वजह से करवाई, कुछ नहीं की गलती थी, कुछ मेरी गलती थी जिस वजह से मैंने क्लीन शेव करवा ली। खैर कोई नहीं, ये भी सेट हो जाएगा, घर की खेती है वापस आ जाएगी। वैसे आप लोग बताओ कमेंट में कि कैसी लग रही है, बीएड सही लग रही थी कि क्लीन शेव सही लग रही है। तो अभी सबसे पहले जाते हैं नीचे, नीचे जाकर करते हैं नाश्ता, क्योंकि लगी है बहुत सख्त भूख और टाइम भी ढाई हो गया है। कभी घर वालों ने काफ़ी शोर डाला, कहते हैं भाई पूरा दिन सोए रहते हो तो उठो तो नाश्ता करो। अभी जाना है नीचे जी। तो नाश्ते में हमारे पास आज पराठे हैं और साथ है लोबिया, और साथ हमारी मेहमान आई हुई है, हमारी दादो। दादो ये ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इनको बोले सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। आपने इनको बोलना है कि चैनल को क्या करो, लाइक करो, बोलो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो। शाबाश दादो, बहुत शुक्रिया दादो। और कमेंट भी करना है, और कमेंट भी करना है, सही है, शुक्रिया दादो। मेरी नहीं तो मेरी दादी नहीं गल तो सुन लो भरावो जी। नाश्ता तो कर लिया आपके भाई ने पेट भर के, साथ मेरी दादो भी थी, दादो को भी नाश्ता कराया। मैंने कहा दादो आए नाश्ता कर लें, दादो ने तो सुबह नाश्ता किया हुआ था, लेकिन मैंने बोला आप दोबारा मेरे साथ फिर नाश्ता कर लें, समझे आपकी दोपहर की रोटी आई है, आप दोपहर का खाना खा रही हैं। तो कहती हैं अच्छा चले ठीक है। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा था, आप लोग भी कह रहे होंगे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं बना रहा। व्लॉग ना बनाने की वजह ये थी कि मेरा बाइक चोरी हो गया था, मैं थोड़ा सा उदास हो गया, फिर दुखी हो गया, अपसेट हो गया। मैंने कहा यार अब व्लॉग छोड़ देना, नहीं बनाना व्लॉग, और ना बनानी है टिकटॉक वीडियो, क्योंकि हम वीडियो बनाने के लिए गए थे ये कचनार पार्क, वहाँ हमने पार्किंग में बाइक खड़ा किया तो हमें क्या पता था चोरी हो जाना है। हमने वाइल लॉक भी लगाया, आपने अक्सर देखा होगा जो मैं होंडा लेकर जाता हूँ F9 पार्क, जब हम गए थे व्लॉग बनाया था आपने उसमें भी देखा होगा। तो हम लेकर गए पार्क, हमने पार्किंग में खड़ा किया, वाइल लॉक लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जब वापसी आए तकरीबन 45 मिनट तक तो हमें बाइक नहीं मिला। तो फिर ढूंढ ढूंढ के इधर देखा, दूसरी पार्किंग में देखा, नहीं मिला। तो फिर हम थाने चले गए, वहाँ पे हमने रिपोर्ट भी करवाई, FIR करवाई, लेकिन 15-20 दिन हो गए उसके बाद अभी भी नहीं मिला। बोला अभी अल्लाह ताला की रज़ा होगी, अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल होगी, कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, वो जो फ़ैसला करते हैं सबसे बेहतरीन फ़ैसला करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ अक्सर अपना बाइक पार्क किया करता था, तो ये वो जगह थी जहाँ मैं अपना बाइक पार्क किया करता था। आपने अक्सर व्लॉग में देखा भी होगा कि मैं यहाँ से बाइक निकाल कर लेकर जा रहा हूँ। पिछला व्लॉग जो था दोस्त के घर गया, उससे पहले का जो व्लॉग था जो F9 पार्क गया, तो यहीं से निकाल कर मैं बाइक लेकर जाता था, लेकिन कोई नहीं, यादें ही रह जाती हैं। इंसान ने भी तो एक ना एक दिन दुनिया से चला जाना, ये तो फिर चीज़ें हैं, कोई नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अब वो 70 है हमारे पास, इसको भी अपसेट कराना है, जब इसको मैकेनिक के पास लेकर जाऊँगा तब भी व्लॉग बनाऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जी। तो फाइनली आपका भाई हो गया तैयार, ये देख सकते हो आप, शूज़ को पॉलिश वगैरह मार ली है, काफ़ी गंदे हुए हुए थे, मैंने कहा शूज़ भी चमका लूँ। तो नमाज का टाइम हो गया था सबसे पहले असर की, मैंने कहा नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद फिर जाएंगे दोस्त के घर। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आया, फिर बाल बनाए, बाल बनाए, अब जा रहा हूँ दोस्त की तरफ, दोस्त इंतज़ार कर रहा है। मैंने उसे बोला था आपके घर आऊँगा, टिकटॉक बनाऊँगा, कहता है ठीक है आ जाना। तो चलते हैं अब दोस्त के घर। ये मेरी दादो बैठी हुई है, दादो से पता करता हूँ क्या। हाँ जी दादो जी, क्या कर रही हैं? बैठी हूँ, कपड़े क्या कर रही हैं? कपड़े ठप रही हूँ। अच्छा दादो पंजाबी बोल सा, तुसा पता है हमारी दादी की उर्दू घट हसनी, पंजाबी ज्यादा हसनी। दादी क्या करने हो? कपड़े ठपड़ियाँ। अल्ला सही है दादी, तुसा भी आखसो के क्या कम कराने असाने पोतरे कि ना, मेरी अम्मी माड़ी अम्मी तुसा कोलो काम कराने तुसा क्या आखसो है? खैर है, खैर है, ला चलो कोई नहीं, खैर है, है। दादी थक गए सो इतने ज्यादा कपड़े? वो ना थकड़ी,
अल्लाह चलो ठीक है दादी अल्लाह ने वाला है मैं जुलैन दोस्त ने घर ठीक है मामा जी अल्लाह हाफिज हम दोस्त के घर पहुंच गए हैं इसको आप खोलें कैसे मुझे पता नहीं है साथ ये आपके घर का दरवाजा कैसे खुलता है बाहर आ जाओ प्लीज मुझे पता है तुमने शर्ट नहीं पहनी हुई इसलिए तुम बाहर नहीं आना चाह रहे प्लीज बाहर आ जाओ अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम अभी अभी उठे हो क्योंकि मैंने ही तुम्हें कॉल करके उठाया है और सुनाओ आज बड़े खूबसूरत आ रहे हो यार कैमरे में लगता है अभी अभी फेस वॉश से न्यू धोया है मेरे भाई ने ना चलो यार चलो ये जगह है जी जहाँ हम आज टिकटॉक बनाएंगे ये सामने यहाँ बनाऊंगा टिकटॉक प्यारी सी ये रिंग लाइट ली है मेरे दोस्त ने खर्चा किया है कितना खर्चा किया आज बता दे सीरियस सच्ची सच्ची झूठ ना बोली बिठाना वाला रेट दस सच्ची गल थोड़ा सा कम भाई यार सही बात है सच्ची सच्ची बता दो भाई मुझे पता है 2500 की ली होगी भाई रोशनी देखो आप हाय हाय क्या बात है थोड़ा सा आगे लाए ना रोशन होगी भाई हाँ 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 क्या बात है इसको थोड़ा ऊपर करना सही नजर आ रहा हूँ है ना थोड़े अरसे बाद बना रहा हूँ थोड़ा सा दिल टूट गया था साथ तुम्हें पता है दिल टूटा था क्यों टूटा था है ना तुम्हें पता है दिल टूटा था मेरा है ना वापिस जुड़ गया है चलो शुक्र है अल्लाह का यार जुड़ना चाहिए क्यों तू क्यों हंस रहे तेरा ही होता है तुम्हारी जगह सबसे बेहतरीन जो होती है ना बिस्तर ही होता है लगता है तुम्हें बिस्तर से बहुत मोहब्बत है मेरा भाई इस वजह से तुम जैसे ही आते हो बिस्तर को सिलेक्ट कर लेते हो ना रास्ते में देखी गाड़ी मैंने बोला ये स्विफ्ट है कहता है नहीं विड्स है मैंने कहा अगर विड्स हुई तो आज ही कटिंग कराएंगे अगर स्विफ्ट हुई तो कल कटिंग करवाएंगे सही है भाई डन हो गया वापसी पे देखते हैं सबसे पहले टिकटॉक बना देना हम चलो शादी दोस्त ने मंगवा लिया अभी चाय घर में बनवाई है चाय ये चाय चीनी डालना संगी इसमें भी डाल संगी जी आपका बहुत शुक्रिया साहब आपने चाय बनवाई पढ़ा मैं ना कुशन यूट्यूब का एक दिन इसी तरह इंशाल्लाह प्ले बटन लगे होंगे यहाँ सामने इंशाल्लाह शादी आपके रूम में भी और हमारे रूम में भी इंशाल्लाह ठीक है तो फिर आपसे मिलेंगे ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ टाइम आ गया आप देखना है कि वो स्विफ्ट है कि विड्स है ठीक है क्या हुआ था इरादा देखते हैं भाई देखते नहीं है देखते नहीं है वो गाड़ी देखते हैं ना यार वही गाड़ी देखते हैं ना भाई अगर हुई पहले व्यूअर्स को दिखाएं जरा फ्रंट दिखाएं उनको देख ले भाई स्विफ्ट है ओए बठानो शोर क्यों डाला हुआ है स्विफ्ट स्विफ्ट भाई स्विफ्ट हाय 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 ये देखो स्विफ्ट है अब हम आज जाएंगे नहीं कटिंग करवाने भाई कटिंग करवाने कल देखा है मैंने बोला था स्विफ्ट है विड्स नहीं है कटिंग के लिए नहीं जा रहे कटिंग नहीं करवाएंगे ये खाद भी नहीं करवाना खाद भी नहीं नहीं भाई नहीं ना खाद कराना है ना कटिंग कराना है आप घर चल नहीं नहीं भाई घर जाना है आप घर अब मैं घर जाऊंगा सीधी जो बात है बात हुई थी कटिंग की नहीं नहीं कटिंग नहीं लेकिन भाई घर जाते हैं छोड़ आज कल जाएंगे ठीक है आज घर जाते हैं सीधा मेरा नहीं दिल यार और साथ तू वैसे भी हार गया है अब हार को तस्लीम करना चाहिए ठीक है ना हमने तस्लीम किया है और कल जाएंगे आप हमने बात हुई थी कल जाएंगे भाई अब आज के व्लॉग में आएंगे नहीं मैं बताता हूँ भाई इसको क्या करना है ठीक है इसकी गंज करनी है ये इसको ऑन करके देना इसको ऑन करके दो भाई ये लग जाती है गलती से देख है अरे यार इसको गंज करानी है क्या है गंज करा यार गंज करनी है क्या बच्चे बड़ी मुश्किल से बाल बढ़ेंगे यार क्या हुआ है गंज करवा लेना तेरा भी सारा है कोई दोनों कराते हैं आज नहीं दोनों ही नहीं कराते सही बात है सीरियस यार आज करा ले यार माना कर यार आज गंज करनी है इसकी कसम से बड़ा दिल है पूरा 500 रुपया दे सा इसकी गंज कर दे और संगी यार तो फाइनली कटिंग हो गई है मेरे दोस्त की मैं तो चाह रहा था इसकी गंज हो लेकिन इसकी गंज नहीं हुई कहता है तेरी मानते हैं कटिंग करवा लेते गंज नहीं करवाते कटिंग आज हमने करवाई है मुझे तो बड़े बाल अच्छे लगते थे लेकिन कोई नहीं कोई नहीं हमारी संगियों में हमारी खुशी
जी तो घर वापिस आ गया हूँ। यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।